आप सभी फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है क्लियर सी एग्जाम्स। और हमारा विजन है टू हेल्प एवरीवन क्लियर सी एग्जाम्स बाय प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन फॉर फ्री। आई रिपीट, क्वालिटी एजुकेशन फॉर फ्री। यू कैन रिपीट विथ मी, आई कैन एंड आई विल, आई कैन एंड आई विल। आज करेंगे, अभी करेंगे और सीए बन करेंगे, क्योंकि हमें बनना है तो बनना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्लियर करते हैं अपना चैप्टर नंबर टू का आगे का टॉपिक। आगे का टॉपिक है फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसके पहले हमने चार वीडियोस बनाए हैं चैप्टर नंबर टू पे। हाँ, आई नो कि बहुत बड़ा चैप्टर है, सो वी शुड स्टडी लाइक ऑफ इट, बिकॉज अगर हम कोई भी चीज़ डिटेल में नहीं पढ़ेंगे तो फिर पढ़ के क्या फायदा। वी आर नॉट डूइंग रिविजन, वी आर डूइंग डिटेल स्टडी, तो ये करना ही पड़ेगा, इजंट इट। तो चलिए, ज़्यादा लंबा वीडियो भी नहीं बनाएंगे, आई विल मेक इट अराउंड 25 to 30 मिनट, या फिर थोड़ा बहुत ज़्यादा हो सकता है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि शॉर्ट बने। तो चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट न किए हुए सीधा इन्वेस्ट करते हैं टाइम को। इन्वेस्ट या ठीक है, ठीक ठाक राइमिंग कर ले रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। कलर कलर कलर, ठीक है, ये हमें पढ़ना है फंक्शन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पहले ये समझिए कि टॉपिक का क्या मतलब है। फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, एक फाइनेंशियल सिस्टम कैसे काम करता है, बेसिकली हाउ इट वर्क्स। क्वेश्चन इज हाउ इट वर्क्स, व्हाट आप पूछोगे, क्या मैंने बोला FS, फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं, फाइनेंशियल सिस्टम, ठीक है। हाउ इट वर्क्स, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे काम करता है, शुद्ध हिंदी बोले तो कैसे काम करता है। तो फंक्शन क्या है, पहला चीज, या फिर क्या क्या करता है फाइनेंशियल सिस्टम। क्वेश्चन आ गया, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम, ऐसा क्वेश्चन तो आएगा नहीं, फिर भी आपको यह समझना होगा कि फंक्शंस ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम क्या है। तो फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम अगर पूछता है आपसे तो आप क्या लिखोगे, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग, सेविंग को मोबिलाइज करता है। मतलब आप समझो, पढ़ते एक बार, सेविंग्स आर डन बाय मिलियंस ऑफ द पीपल, बात सही है, इंडिया में सारे लोग सेविंग करते हैं, इवन इन द फॉरेन कंट्रीज ऑल्सो, बट अमाउंट सेव्ड आर नो यूज अनलेस दे आर मोबिलाइज इन टू फाइनेंशियल एसेट्स, वेदर करेंसी, बैंक डिपोजिट, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स लाइक इंश्योरेंस कंपनी। इसका पूरी का समरी क्या है, जैसे कि आप हो, आपने क्या किया, आपने अपने पैसे को बैंक में डिपॉजिट कर दिया, ये बैंक है, ठीक है। अब बैंक ने क्या किया, बहुत लोगों को ये पैसे को ये क्या कर दिया, बांट दिया, इनको भी दे दिया, सपोज करो एक कंपनी है, अब ये कोई स्टार्टअप है, अब ये कोई अपना फार्मर है, फार्मर को लोन दे दिया, लोग फार्म के लिए काम कर रहा है, फिर कोई आप अपना कोई और भी सेंटर खोले। तो बैंक तो बहुत लोगों को फाइनेंस करता है, बैंक अगर LIC को पैसा दे दिया, फिर LIC अपने किसी को पैसा देती। तो मेरा कहने का सिंपल सा मतलब है कि जो भी सेविंग्स है उनको मोबिलाइज करना, दैट इज कॉल्ड द फंक्शन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वो एक फंक्शन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिस्टम का। फाइनेंशियल सिस्टम करता क्या भैया, आपका सेविंग को हम लाओ, हम मोबिलाइज कर देते हैं। मैंने, आप मेरे से पूछो कि मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग क्या है, मैंने बोला आप मेरे को पैसा दो, मैं इस पैसे को सही जगह मोबिलाइज कर देता हूं, मतलब लगा देता हूं, फिर आपको एक स्पेसिफाइड इंटरेस्ट रेट पे आपको एक रिटर्न भी दे देता हूं। तो दिस इज व्हाट हैपेंस इन द फाइनेंशियल सिस्टम, इजंट इट। फॉर एन एग्जांपल, अगर देखा जाए, आप पैसा अगर बैंक में जमा करते हो तो बैंक वाला क्या करता है भाई साहब, वो कहां से पैसा आपको इंटरेस्ट, सपोज करो बैंक आपको 4% इंटरेस्ट देता है, 4% या 5% FD की बात छोड़ के, नॉर्मल सेविंग अकाउंट में तो 4% 3.5% देता है। सो हाउ इट इज पॉसिबल, अगर वो डिपॉजिट अपने घर में रखेगा तो पॉसिबल नहीं है, वो किसी को इन्वेस्ट करेगा, कंपनी को देगा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स को देगा, पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, खुद इन्वेस्टमेंट करेगा, LIC को देगा, बहुत जगह वो इन्वेस्ट करके पैसा लगाएगा, म्यूचुअल फंड में लगाएगा, शेयर मार्केट में लगाएगा। तो हर बैंक ऐसे काम करते हैं, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है, आपके सेविंग को मोबिलाइज करना फाइनेंशियल सिस्टम का एक फंक्शन है। फिर बात आती है एलोकेशन ऑफ द सेविंग, एलोकेशन ऑफ द सेविंग, अमाउंट ऑफ द सेविंग मोबिलाइज थ्रू मिलियंस ऑफ पीपल विल देन बी एलोकेटेड अमंग द नीडी सेक्टर। आपने जो पैसा एलोकेट करवाया है, अब उसमें जो जरूरतमंद है, जो नीडी पीपल है, ठीक है, जो जरूरत, जिनको जरूरत है, उसको एलोकेट किया जाएगा, प्रॉपर एलोकेशन। डायरेक्ट लेंडिंग बाय जनरल पब्लिक हैज बीन मेड पॉसिबल थ्रू कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड इक्विटीज। अब डायरेक्ट लेंडिंग कहां से हो सकती है, जैसे आप कहां से पैसा ले सकते हो, तो आप देखो जनरल पब्लिक से आप पैसा कैसे ले सकते हो, बॉन्ड इश्यू करके, इक्विटी इश्यू करके। यहां पे लिखा है आप डायरेक्ट पैसा तो दो चीज से ले सकते हो, तो बॉन्ड इश्यू करो और इक्विटीज, और भी बहुत सारे ऑप्शन है, बट यहां पर बॉन्ड्स और इक्विटीज दिखा हुआ। बिसाइड्स दीज आर द बैंक्स
Besides, there are banks, insurance company and other financial institutions, they serve as a financial intermediaries. इसके अलावा भैया देखो कहने का मतलब क्या है कि आप मेरे से पूछे भाई कहाँ से पैसा लाऊं, एलोकेशन ऑफ द सेविंग, मतलब मेरा पैसा कहाँ कहाँ एलोकेट हो रहा है। तो पहली बात तो आप अपना पैसे को बॉन्ड और इक्विटी में लगा के सीधा डायरेक्ट कंपनी को दे सकते हो, या फिर आप बैंक में पैसा जमा कर दो, बैंक आपको, बैंक या अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंश्योरेंस कंपनी, जैसे आप LIC कराते हो, बैंक में डिपॉजिट कराते हो या फिर अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में पैसा जमा करते हो, तो क्या करता है वो एक इंटरमीडियरीज की तरह काम करेगा, मतलब बीच वाला, बिचौलिया बोल लो, ठीक है, अभी तो बिचौलिया वर्ड बहुत पॉपुलर है, ठीक है। दे सर्व एज अ फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज बिटवीन द अल्टीमेट लेंडर एंड अल्टीमेट बोरोवर, भैया जो आखिरी देने वाला और लेने वाला उनके बीच में इंटरमीडियट, कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि ये रहा बैंक, ये रहे आप और ये रही कंपनी, आपका पैसा कंपनी में गया, कौन दिलवाया ये, इसमें आपका भी कुछ फायदा हो गया, इनका भी कुछ फायदा हो गया, तो ये हो गए बिचौलिए, मतलब इंटरमीडियरीज। ओके, दे मोबिलाइज सेविंग्स ऑफ द लेंडर बाय सेलिंग देयर ओन लाइबिलिटीज विच आर डिपॉजिट्स, इंश्योरेंस प्रीमियम अमाउंट। देखो ये कैसे करते हैं, दे मोबिलाइज सेविंग ऑफ द लेंडर बाय सेलिंग देयर ओन लाइबिलिटी। ओन लाइबिलिटी बोले तो मैं बैंक में अगर पैसा जमा कराता हूं तो क्या होता है, बैंक के लिए लाइबिलिटी रहता है, वो उसको मोबिलाइज कर देते हैं, मोबिलाइज वर्ड समझ रहे हो, दे मोबिलाइज सेविंग ऑफ द लेंडर बाय सेलिंग देयर ओन लाइबिलिटी। बैंक क्या करता है, अपनी लाइबिलिटी को मोबिलाइज कर देता है, जैसे कि आप बैंक में पैसा जमा करते हो तो बैंक के बैलेंस शीट में वो लाइबिलिटी आएगी, आपके बैलेंस शीट में भले ही हो CC में आए, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, बैंक डिपॉजिट बैंक अकाउंट में आए, बैंक बैलेंस में आए, लेकिन उनके अंदर तो लाइबिलिटी ही आएगी, तो वो उसको क्या करते हैं, मोबिलाइज कर देंगे। इंश्योरेंस प्रीमियम अगर आप अपनी इंश्योरेंस कंपनी को दोगी तो वो पैसा उस प्रीमियम को मोबिलाइज करके कहीं लगा देगी, एंड मेक दिस फंड्स अवेलेबल टू द नीडी बोरोस एट देयर ओन रिस्क, और अपने रिस्क पे वो लोन लेने वालों को देगी। तो दिस इज व्हाट द एलोकेशन, सो मेनी सेवर्स फाइंड द सेकेंडरी सिक्योरिटी इन डायरेक्ट लेंडिंग ऑफ फाइनेंस मच मोर एक्सेप्टेबल। ज्यादातर लोग बॉन्ड्स और इक्विटी में पैसा ना लगा के इनडायरेक्ट लेंडिंग करते हैं, जैसे कि बीच में बैंक में जमा करके ज्यादातर लोग प्रीमियम, LIC का प्रीमियम दे के, मतलब LIC में पैसा इन्वेस्ट करते हैं और बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं। तो इसका कहने का मतलब है कि ज्यादातर लोग भाई सिक्योर खेलते हैं, मतलब लेस रिस्की। बैंक में रिस्क मान लो कि नॉमिनल रिस्क है, LIC में भी नॉमिनल रिस्क है, तो आदमी चाहता है भाई कम रिस्क हो तो रिटर्न भी कम मिलता है। अगर बॉन्ड इक्विटी में लगाओगे तो आपको रिटर्न भी ज्यादा मिल सकता है, हाँ, लेकिन वहां पर रिस्क भी ज्यादा है। फिर बात आती है फाइनेंशियल सिस्टम प्रोवाइड्स अ पेमेंट सिस्टम फॉर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्या फाइनेंशियल सिस्टम क्या करता है, प्रोवाइड करता है एक पेमेंट सिस्टम फॉर द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज के मैं लाइट बढ़ा रहा था, ठीक है। अ फाइनेंशियल सिस्टम प्रोवाइड्स अ पेमेंट सिस्टम फॉर द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक फाइनेंशियल सिस्टम क्या प्रोवाइड करता है, भैया आप मेरे को गुड दिए, भैया आप बोलो कि भाई ले ये कॉपी पकड़ ले, तो मैंने बोला अच्छा ठीक है दो भाई हम पकड़ लेते, सो दिस इज नॉट द वे। मैं बैंक सपोज करो मैं एक दुकान पे गया, दुकान वाले मेरे को कॉपी देता है, कॉपी या किताब कुछ भी मैं खरीदता हूँ, तो वो मेरे से क्या लेगा, एक्सचेंज में कुछ तो पैसा लेगा ना, तो फाइनेंशियल सिस्टम वो प्रोवाइड करता है। दिस इज वेल नोन, बट अगर इसको टर्म में लिखा जाए तो लिखेगा फाइनेंशियल सिस्टम प्रोवाइड्स पेमेंट सिस्टम, पेमेंट मैकेनिज्म फॉर द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सो फॉर एग्जाम्पल अ सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज पेमेंट इन कैश इज द मोस्ट प्रेफर्ड मोड। एग्जाम्पल की तरह एक्सचेंज करो तो हमारे को पैसा मिला, दिस इज वॉट द इट प्रोवाइड्स। हाउएवर लार्ज स्केल बिजनेसेस डील्स मोस्टली इन द क्रेडिट ट्रांजेक्शन। कुछ लोग उधारी का धंधा करते हैं, कुछ लोग नहीं, लार्ज स्केल बिजनेस जितने होते हैं सब क्रेडिट पे होता है, या दो महीने का क्रेडिट, तीन महीने का, चार महीने का, पांच महीने का, जितने महीने का क्रेडिट लो भैया मेरा माल बन जाएगा। अब क्रेडिट ट्रांजेक्शन का क्या मतलब है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन का मतलब मैंने, आप सपोज करो मेरा कोई बिजनेस है, आप मेरे से आगे सामान खरीदते हो, आप जब मेरे से सामान खरीदे तो आपने बोला कि भाई देखो अभी मैं पैसा नहीं दूंगा, बोला मैं बोला क्यों, तो बोला देखो भाई मैं अपनी फैक्ट्री में ले जाऊंगा आपका रॉ मटेरियल, या लगाऊंगा, प्रोसेस करूंगा, सेल करूंगा, फिर जाके उसके ऊपर जो सेल से रिवेन्यू जनरेट होगा फिर मैं आपको पेमेंट करूंगा, आप मेरे साथ रेडी हो। मैं बोलूंगा मेरे पास ऑप्शन नहीं है, आई विल बी रेडी, जनरली लार्ज स्केल बिजनेस में ऐसे ही होता है, ठीक है।
आफ्टर सर्टेन पेमेंट्स आर मेड देयर इन थ्रू चेक और ऑनलाइन पेमेंट, मैंने बोला भाई देखो उसके बाद चेक दे देना मेरे को जब तुम्हारा सेल हो जाएगा, लेकिन अगर उससे लेट हुआ तो मैं इंटरेस्ट लगा दूंगा या फिर पेनल्टी लगा दूंगा, ऐसा कंडीशन भी लगाया जाता है, ठीक है। तो ये एक आपको सिस्टम मिल गया। फिर फाइनेंशियल सिस्टम प्रोवाइड्स अ मैकेनिज्म फॉर पूलिंग ऑफ द फंड्स टू इन्वेस्टर लार्ज स्केल इंटरप्राइजेस, लार्ज कॉर्पोरेट रेजेस फंड्स फॉर बॉन्ड्स डिबेंचर, ये एक मैकेनिज्म देता है कि आप पैसा पब्लिक से ले सकते हो। जैसे स्टॉक मार्केट में आप क्या किया, आईपीओ इशू की, तो आप एक प्लेटफॉर्म है जहां से बड़े बड़े इन्वेस्टर्स क्या कर सकते हैं, आपको आपसे पैसा ले सकते हैं, ठीक है। जैसे बॉन्ड्स डिबेंचर्स पब्लिक डिपॉजिट्स, ऐसा वो फाइनेंशियल सिस्टम का ही मैकेनिज्म है। प्रोवाइड पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, बैंक्स प्रोवाइड द मैकेनिज्म बाय मीन्स, देखो भाई इसमें कहने का मतलब ये कि आप पेमेंट का एक मैकेनिज्म आपको प्रोवाइड करता है, आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड चेक यूज करके एक पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। पेमेंट और द पेमेंट मैकेनिज्म इज नाउ बीन इंक्रीजिंगली मेड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, अभी का सिनेरियो ये है कि भाई देखो अभी आजकल बहुत ज़्यादा ऑनलाइन पेमेंट हो रहा है, यूपीआई से, गूगल का गूगल पे है, फोन पे है, पेटीएम है, सो ज़्यादातर लोग इसी को यूज कर रहे हैं, तो यही कह रहा हुआ। द क्लियरिंग एंड द सेटलमेंट मैकेनिज्म ऑफ द स्टॉक मार्केट इज डन थ्रू डिपोजिटरी, अब भैया स्टॉक मार्केट में जो डिपोजिटरीज होते हैं उनके थ्रू सेटलमेंट सिस्टम भी जनरेट हो गया। आजकल पता है आपको स्टॉक मतलब बहुत पहले ही डीमेटरलाइज हो गया, तो डीमेट अकाउंट से ही सारा स्टॉक मार्केट का डिटेल, आपका शेयर आपके अकाउंट में तुरंत आ जाएगा, मतलब जब आप खरीदोगे तो आपके अकाउंट में आ जाएगा, कोई फिजिकल ट्रांजेक्शन नहीं रहेगा। तो ये बोल रहे हैं कि सेटलमेंट सिस्टम डिपोजिटरी के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है इक्विटी में, आई मीन स्टॉक मार्केट। फिर अगला है मॉनिटर कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस, तो फाइनेंशियल सिस्टम नॉट ओनली हेल्प्स इन सेलेक्टिंग द प्रोजेक्ट्स टू बी फंडेड बट ऑल्सो मोटिवेट्स द वेरियस स्टेक होल्डर ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम टू मॉनिटर द परफॉर्मेंस ऑफ द इन्वेस्टर्स। कहने का मतलब है कि आपको एक इंफॉर्मेशन, फुल ऑफ इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा कि भाई देखो सारा डिटेल आपको बताया जाएगा, नॉट ओनली हेल्प्स इन सेलेक्टिंग द प्रोजेक्ट्स टू बी फंडेड ऑल्सो मोटिवेट्स यू द वेरियस स्टेक होल्डर ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम टू मॉनिटर द परफॉर्मेंस ऑफ द इन्वेस्टर्स, वो इन्वेस्टर के परफॉर्मेंस को भी, इन्वेस्टमेंट के परफॉर्मेंस को भी मेजर करने का मौका मिलेगा। सपोज करो आप कोई कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हो, आपने कंपनी सपोज को 35,000 करोड़ पब्लिक इश्यू लेके आती है, फिर वो पैसे को कहाँ इन्वेस्ट कर रही है, तो आपको प्रॉपर एक मैनेज कर्निज्म पता है, आपको बहुत सारे रिसोर्सेज है, न्यूज़पेपर है, बहुत सारा इवन फाइनेंस के से रिलेटेड स्पेसिफिक चैनल भी। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है, आप सिर्फ पैसा लगा के ऐसा मत सोचो कि पैसा लग गया, आपको ये भी बताया जाएगा कि भैया वो कैसे वो पैसा परफॉर्म कर रहे हैं। फाइनेंशियल मार्केट इंस्टीट्यूशन हेल्प्स टू मॉनिटर कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस, एक्सर्ट प्रेशर्स ऑन द कॉर्पोरेट्स टू कंटिन्यूअसली इंप्रूव द, आप सपोज करो क्या करते हैं, आप सपोज करो LIC में आप पैसा लगाया, बैंक ने पैसा लगाया, अब बैंक ने एक कंपनी में पैसा लगाया तो कंपनी क्या करेगी, ये अब तुम्हारा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो खत्म हो गई, अब ये लोग इस पर प्रेशर बनाएंगे भाई देखो अगर आप अच्छा रिटर्न नहीं दोगे तो हम अपना इन्वेस्टमेंट ले लेंगे, बाहर ले लेंगे, तो ये प्रेशर बनाता है इन लोग, तो ये भी एक तरीका है अच्छी परफॉर्मेंस के लिए। तो कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस को भी मॉनिटर किया जाता है एक तरीके से देखा जाए तो। हेल्थ एंड रिस्क रिडक्शन, बहुत कम रिस्क हो जाता है बॉस। द फाइनेंशियल सिस्टम हेल्प्स इन रिडक्शन ऑफ द रिस्क इन द फाइनेंशियल सिस्टम बाय लेइंग डाउन रूल्स, एग्जांपल्स, रूल्स और रेगुलेशन लगा के, तगड़ा रूल्स और रेगुलेशन लगा के आपको क्या हो, रिस्क रिड्यूस कर दिया जाता है, मिनिमाइज कर दिया जाता है। जैसे सेबी की बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन और गाइडलाइंस है जिससे कि ट्रांसपेरेंसी आएगी, जो भी आप कंडक्ट करोगे ट्रांजेक्शन, एफिशिएंट और ट्रांसपेरेंट कंडक्ट ऑफ ऑपरेशन इन कैपिटल मार्केट, बहुत ही ट्रांसपेरेंट और एफिशिएंट मैनर में कैपिटल मार्केट में ट्रांजेक्शन होता है। वैसे ही RBI भी है, रिस्क रिडक्शन इज अचीव्ड बाय डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द पोर्टफोलियो एंड स्क्रीनिंग ऑफ द बोरोअर्स। कहने का मतलब देखो इसमें एक वर्ड है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ पोर्टफोलियोज, एक वर्ड लिखा है रिस्क रिडक्शन इज अचीव बाय डाइवर्सिफिकेशन ऑफ पोर्टफोलियो। अब पोर्टफोलियो क्या होता है बेसिकली, देखिए आपके आपका सपोज करो ये बॉल है, ठीक बना लिए, अब इसमें क्या किए आप कुछ मतलब डिफरेंट डिफरेंट चीज रखिए, डिफरेंट डिफरेंट शेयर्स रखिए, कहने का मतलब सारा का सारा एक ही बॉल में मतलब पैसा मत लगा दीजिए, आप पैसे ही दो तीन जगह लगाइए,
जिससे आपको क्या होगा, पोर्टफोलियो मतलब बेसिकली ये समझिए कि आपके पास 100 रुपया, ठीक है, तो आप 100 रुपये का सारा रुपया आप एक जगह मत लगाइए, कहीं यहाँ पे लगाइए, कहीं मतलब अलग अलग सेक्टर्स में पैसा लगाइए, जिससे कि अगर एक सेक्टर बहुत ही लो हो जाता है तो दूसरा सेक्टर अगर रिवाइव कर लेगा तो आपका क्या होगा, एक बैलेंस बना रहेगा, लॉस में आप नहीं आएंगे, रिस्क आपका कम रहेगा। तो डाइवर्सिफिकेशन और पोर्टफोलियो बहुत ज़रूरी है, मतलब पोर्टफोलियो बनाना, ये डिपेंड करता है आपका पोर्टफोलियो कैसा है, अगर अच्छा पोर्टफोलियो तो आपको रिस्क कम रहेगा, हमेशा रिस्क रिड्यूस मिनिमाइज रहेगा आपका। तो ये हमेशा याद रखिए कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उस समय, मार्केट पार्टिसिपेंट ऑल्सो प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम अनएक्सपेक्टेड कंटिजेंसी बाय बाइंग इंश्योरेंस सर्विसेज। हाँ, बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनी से आप इंश्योरेंस सर्विसेज खरीदो कि अगर मेरा लॉस हुआ तो आप भरपाई करोगे, आप उसका कुछ प्रीमियम देंगे। रिस्क इज ट्रेडेड इन द फाइनेंशियल मार्केट, क्या लाइन लिखा हुआ है, रिस्क इज ट्रेडेड इन द फाइनेंशियल मार्केट थ्रू फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स सच एज डेरिवेटिव। कहता है रिस्क का भी ट्रेड होता है फाइनेंशियल मार्केट में, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट थ्रू फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट सच एज डेरिवेटिव। डेरिवेटिव आपको राइट देता है कि भैया 110 रुपये के शेयर तक मैं बेच सकता हूँ, 120 तक खरीद सकता हूँ। डेरिवेटिव इज जस्ट अ राइट। सपोज करो 100 रुपये का शेयर है, आप बोलोगे 5 दिन बाद मुझे ये 5 या फिर आज के दिन मैं इसे 105 तक बेच सकता हूँ, तो उसके लिए आपको 2, 4, 5, 10 रुपया देना पड़ेगा। डेरिवेटिव एक डिटेल एनालिसिस अपनी करेंगे, बेसिकली आप इतना समझ लीजिए आपको कोई भी चीज़ खरीदने और बेचने का राइट ले मिल जाता है एक स्पेसिफाइड डेट पे, स्पेसिफिक टाइम पे कि इतना रुपये तक आप बेच या खरीद सकते हैं, ठीक है, उसके लिए आपको कुछ पैसा भी देना पड़ेगा, तो इसका भी ट्रेड होता है, रिस्क इज ऑल्सो ट्रेडेड। वाह, फिर आता है डेरिवेटिव शिफ्ट रिस्क फ्रॉम दोज हु हैव इट बट डोंट वॉन्ट इट। डेरिवेटिव शिफ्ट करता है रिस्क फ्रॉम दोज हु हैव इट, जिसके पास है बट डू नॉट वॉन्ट इट, एंड दोज हु आर विलिंग टू टेक इट, और जिसके पास जो चाहते हैं लेने के लिए। सो डेरिवेटिव शिफ्ट रिस्क, जिसके पास है वो दूसरे को देता है जो लेना चाहता है बेसिकली। लास्ट पॉइंट हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ब्रॉडर हेडिंग क्या है, फंक्शन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, स्टेटमेंट स्टेटमेंट बोले जा रहा हूँ, फाइनेंशियल सिस्टम आई रिपीट। तो उसमें हमने बोला हेल्प इन रिस्क रिडक्शन, आपके पैसे का जो इन्वेस्टमेंट है आपके इन्वेस्टमेंट का रिस्क रिड्यूस करता है अपना फाइनेंशियल सिस्टम, प्रोवाइडेड आप अच्छे से उसको यूटिलाइज कर लो भाई, और सेबी तो है ही अपना रेगुलेट करने के लिए। प्रोवाइड प्राइस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, फाइनेंशियल मार्केट प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन विच इनेबल्स इन्वेस्टर्स टू मेक इन्फॉर्म डिसीजन अबाउट वेदर टू बाई सेल होल्ड और फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आपको पूरी की पूरी जानकारी दी जाती है जिससे कि आप अपना डिसीजन ले पाएंगे, एक इन्फॉर्म डिसीजन कि मुझे बेचना है, खरीदना है या फिर रखना है। द इन्फॉर्मेशन डिसमिनेशन फैसिलिटी वैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट, फर्दर द प्रोसेस ऑफ वैल्यूएशन इन्फ्लुएंसेस द मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी एंड डेट इंस्ट्रूमेंट एंड गाइड्स द मैनेजमेंट एज टू वेदर देयर एक्शन आर कंसिस्टेंट विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ द वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर। बोला द फर्दर द प्रोसेस ऑफ वैल्यूएशन इन्फ्लुएंसेस द मार्केट प्राइस। अब देखो आपका एक प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ वैल्यूएशन इन्फ्लुएंसेस द मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी एंड डेट एंड इंस्ट्रूमेंट। आपके ऑर्गेनाइजेशन का जो वैल्यूएशन है, आपके ऑर्गेनाइजेशन का जो वैल्यूएशन है वो अगर कम हुआ तो मार्केट प्राइस आपका क्रैश करेगा, मतलब नीचे आएगा, तो उससे क्या होगा, मैनेजमेंट को भी पता चलेगा कि जो हम डिसीजन ले रहे हैं वो सही है या गलत है, ठीक है। मार्केट से भी मैनेजमेंट को एक रिस्पांस मिलता है, अगर मार्केट में देखो इन्वेस्टर क्या है, स्मार्ट है, हमेशा स्मार्ट है, वो स्मार्टली पैसा इन्वेस्ट करेगा। अगर आपकी कंपनी का प्राइस गिर रहा है तो देयर विल बी अ सम रीजन कि आपका पैसा, सपोज करो आपका क्वार्टरली रिजल्ट आ रहा है, क्वार्टरली रिजल्ट में आपकी एक्सपेक्टेड ग्रोथ मानी जा रही थी 8% होगी, लेकिन आपने डी ग्रोथ कर दी 2% से, मतलब कि आपको बढ़ना चाहिए था, आप घट गए। तो कहने का मतलब ये कि दिस इन्फॉर्मेशन विल हार्म योर मार्केट प्राइस इन द शेयर मार्केट या फिर कैपिटल मार्केट, तो उस हिसाब से मैनेजमेंट को भी पता चल जाएगा कि वी आर नॉट परफॉर्मिंग व्हाट इज एक्सपेक्टेड, ठीक है। इन्वेस्टर जब पैसा लगाता है तो उसकी एक हमेशा एक इच्छा होती है, मतलब एक्सपेक्टेशन होती है। तो फंक्शन में क्या हो गया, दो ये पहला मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग, दूसरा एलोकेशन ऑफ द सेविंग, मोबिलाइजेशन एलोकेशन। फिर आता है फाइनेंशियल सिस्टम प्रोवाइड द पेमेंट सिस्टम फॉर एक्सचेंज ऑफ, ये एक पेमेंट सिस्टम पेमेंट मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फिर आता है ये फंड्स को पूलिंग ऑफ फंड्स के लिए भी एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है, लार्ज स्केल इंटरप्राइजेस को अगर पैसा चाहिए तो उनको
बॉन्ड के थ्रू, डिबेंचर पब्लिक डिपॉजिट के थ्रू पैसा लेने का भी मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है। तो दो मैकेनिज्म हो गए, एक एक्सचेंज और एक फंड्स के लिए पूलिंग ऑफ फंड्स, फिर एलोकेशन ऑफ मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग, एलोकेशन ऑफ सेविंग, ये फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम का। फिर प्रोवाइड पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम प्रोवाइड किया जाता है, मॉनिटर कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस, हेल्प एंड रिस्क रिडक्शन, हेल्प करता है रिस्क रिडक्शन में, प्रोवाइड प्राइस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और सारे के सारे इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेगा। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ योर फाइनेंशियल सिस्टम। ओके, आई नो टाइम ज़्यादा नहीं लिया मैंने, इजंट इट? ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट। व्हाट इज द की एलिमेंट ऑफ द वेल फंक्शनिंग फाइनेंशियल सिस्टम? भैया अच्छा खासा सिस्टम चल रहा है तो किसकी बदौलत चल रहा है? व्हाट आर, भाई क्या है, सबूत क्या है, की एलिमेंट ऑफ द वेल फंक्शनिंग फाइनेंशियल सिस्टम, किन बातों पे, की क्या आधार है एक वेल फंक्शनिंग फाइनेंशियल सिस्टम का? सो द की एलिमेंट ऑफ वेल फंक्शनिंग फाइनेंशियल सिस्टम आर एक्सप्लेन्ड एज बिलो। देखिए एक एक करके किन पिलर्स पे खड़ा है अपना फाइनेंशियल, एक वेल फंक्शनिंग फाइनेंशियल सिस्टम, क्या वर्ड बोला मैं, ठीक है, किन पिलर पे खड़ा है, किन खंभों पे खड़ा है, मतलब व्हाट आर द बेसिस जिससे आप बोल पाओगे कि ये मेरा वेल फंक्शनिंग है, या फिर वेल फंक्शन है तो किन किन बातों से होता है। अ स्ट्रॉन्ग लीगल एंड रेगुलेटरी एनवायरमेंट, पहली बात तगड़ा सा रूल होना चाहिए, फिर स्टेबल मनी, जो पैसा है आपका स्टेबल होना चाहिए इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, आपके पैसे का वैल्यू एकदम क्राइस ना कर जाए, मतलब रुपए का वैल्यू डॉलर के मुकाबले एकदम धड़ल्ले से चला गया जैसे पाकिस्तान का है। साउंड पब्लिक फाइनेंस एंड पब्लिक डेट मैनेजमेंट, पब्लिक फाइनेंस मतलब इनकम और एक्सपेंसेस का एक बात करेंगे अभी, मतलब पब्लिक फाइनेंस के बारे में, पब्लिक डेट मैनेजमेंट के बारे में। फिर सेंट्रल बैंक है अपने पास, RBI, साउंड बैंकिंग सिस्टम, अच्छा बैंकिंग सिस्टम और इंफॉर्मेशन सिस्टम, वेल फंक्शनिंग सिक्योरिटी मार्केट, ये सारी चीजें आपको बनाएंगी एक वेल फंक्शनिंग फाइनेंशियल सिस्टम। क्या टोटल नंबर ऑफ 7 है, एक एक करके देखते हैं। अ स्ट्रॉन्ग एंड लीगल रेगुलेटरी एनवायरमेंट, भैया देखो इंडिया में या फिर किसी भी देश में जब तक स्ट्रॉन्ग लीगल एंड रेगुलेटरी एनवायरमेंट नहीं रहेगा तो भाई क्यों अपना पैसे को, अरे कैसे फाइनेंशियल सिस्टम तगड़ा रहेगा? आप पैसा लगा दिए, अगर सिस्टम नहीं रहे, सपोज करो आप ऑडिटर हो, आपको पता है कि आपकी कंपनी में शेयर पूरी तरीके से 200-400% प्रॉफिट जम करने वाला है, आपको पता चल ही गया कि मार्केट में अगले दिन तो भाई भयंकर तूफान आने वाला है, 5% पूरा एकदम बढ़ जाएगा, इतना बढ़ जाएगा आने वाले वीक में, तो आप क्या किए, आप खुद ही 10-20 करोड़ अपना इन्वेस्ट कर दिए, अगले दिन आप डबल कर लिए उसको, मान लो मतलब 15-20-25 करोड़ कर लिए, तो ऐसा नहीं कर सकते ना, दीज आर द रूल्स एंड रेगुलेशन, कि ऑडिटर नहीं इन्वेस्ट कर सकता पैसा, आपको पता होगा आई होप, ठीक है। तो यही बोल रहा है, ऐसे जब तक लीगल और रेगुलेटरी एनवायरमेंट नहीं रहेगा तब तक काम नहीं चलेगा। देखो यहाँ पे लिखा है कैपिटल मार्केट इज रेगुलेटेड बाई सेबी, सेबी के द्वारा रेगुलेट किया जाता है कैपिटल मार्केट। फिर आगे बढ़ते हैं, एक्ट्स एज अ वॉचडॉग एंड सिक्योरिटी मार्केट, बिल्कुल वॉचडॉग की तरह आपको एकदम दिन रात चौकसी दिया रहता है। दिस हैज बीन शोड थ्रू द पासिंग ऑफ द सेबी एक्ट, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट एंड न्यूमरस सेबी रूल्स रेगुलेशन एंड गाइड। अब ये कैसे पॉसिबल है भाई? देखो सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट और बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन और गाइडलाइंस बनाए गए हैं जिसके वजह से पॉसिबल हो गया कि भाई कोई धांधली नहीं होगी स्टॉक मार्केट में। लाइकवाइज मनी मार्केट एंड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज रेगुलेटेड बाय आरबीआई, उसी की तरह लाइकवाइज मनी मार्केट और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के लिए भी रूल्स और रेगुलेशन बने हुए हैं, आरबीआई के द्वारा वो बनाए गए, एंड दिस हैज बीन इंश्योर्ड थ्रू वेरियस प्रोविजन ऑफ द आरबीआई एक्ट, और ये बहुत मतलब वेरियस प्रोविजन ऑफ द आरबीआई एक्ट के द्वारा इसको इंश्योर्ड किया जाता है। तो कहने का मतलब देखो फाइनेंशियल सिस्टम में क्या है, सेबी आरबीआई ये दोनों लोग क्या कर रहे हैं, आपके मार्केट को रेगुलेट कर रहे हैं, लीगलाइज कर रहे हैं, लीगल रूल्स एंड रेगुलेशन बना रहे हैं और रेगुलेट कर रहे हैं कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। तो दीज आर द लीगल रूल्स एंड रेगुलेशन जिसके वजह से, इन पिलर की वजह से ही आपकी फाइनेंशियल सिस्टम वेल फंक्शनिंग मानी जाएगी। फिर स्टेबल मनी, मनी इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन इकोनॉमी भैया, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख देना चाहिए। अ फ्रीक्वेंट फ्लक्चुएशन एंड डेप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ द मनी लीड टू द फाइनेंशियल क्राइसिस एंड रिस्ट्रिक्ट द इकोनॉमिक ग्रोथ।
पाकिस्तानी रुपए की कीमत 140, मतलब कंपेयर में $1 का 140 है, इंडिया में भी $1 का है नियर अबाउट 72 और 71 आई गेस। तो देखो यहाँ पे आपकी रुपए की वैल्यू जब एकदम डाउन हो जाएगी तो आप क्या है, इकोनॉमिक क्राइसिस आनी ही आनी, फाइनेंशियल क्राइसिस आनी ही आनी है, जो कि अभी पाकिस्तान में, इंडिया में नहीं आई, बिकॉज उनका मनी स्ट्रांग है अभी, ठीक है। साउंड पब्लिक फाइनेंस एंड पब्लिक डेट मैनेजमेंट। साउंड पब्लिक फाइनेंसेस मींस सेटिंग एंड कंट्रोलिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड इंक्रीज रेवेन्यू टू फंड दिस एक्सपेंडिचर एफिशिएंटली। साउंड पब्लिक फाइनेंस, पब्लिक फाइनेंस क्या है, आइए, साउंड पब्लिक फाइनेंस मींस सेटिंग एंड कंट्रोलिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड इंक्रीज रेवेन्यू टू फंड दिस एक्सपेंडिचर एफिशिएंटली। भैया देखो, एक्सपेंडिचर और यहां पे रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर को एफिशिएंट मतलब कम करो और रेवेन्यू को बढ़ाओ, ये है पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक डेट मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ स्टेबलिंग एंड एग्जीक्यूटिंग अ स्ट्रेटजी फॉर मैनेजिंग द गवर्नमेंट डेट्स इन ऑर्डर टू रेज रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ द फंडिंग। पब्लिक फाइनेंस में आपको बोला कि एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करो, एफिशिएंटली खर्च करो और इंक्रीज करो रेवेन्यू को, सो ये पब्लिक फाइनेंस तभी अच्छा होगा। आपके यहाँ जब खर्चे एफिशिएंट होंगे और रेवेन्यू ज़्यादा बढ़ेगा तो आपके लोग मजबूत होंगे, आपका फाइनेंशियल सिस्टम मजबूत होगा, पैसा उनके पास बचेगा तो इन्वेस्ट करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे तो ग्रोथ होगा, ठीक है, तो पब्लिक फाइनेंस हो गया। फिर पब्लिक डेट मैनेजमेंट क्या है, पब्लिक डेट मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ स्टेबलिंग एंड एग्जीक्यूटिंग स्ट्रेटजी फॉर मैनेजिंग द गवर्नमेंट डेट। पब्लिक डेट मैनेजमेंट एक प्रोसेस जो स्टेब्लिश करता है, एग्जीक्यूट करता है, नॉट ओनली स्टेब्लिश बट ऑल्सो एग्जीक्यूट स्ट्रेटजी फॉर मैनेजिंग द गवर्नमेंट डेट इन ऑर्डर टू रेज रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ फंडिंग। गवर्नमेंट डेट्स को मैनेज करता है, गवर्नमेंट में कितना लोन है, मतलब गवर्नमेंट सेक्टर में कितना लोन है, उसको ना इस्टेब्लिश करता है, स्ट्रेटजी भी बनाता है कि भैया इसको कैसे मैनेज किया जाए और रिक्वायर्ड फंडिंग कहां से लेगी। इट ऑल्सो इंक्लूड्स डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग एन एफिशिएंट मार्केट फॉर द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, और ये ऑल्सो इंश्योर करता है कि भाई अच्छी खासी डेवलपमेंट हो और एफिशिएंट मार्केट रहे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का। तो ये भी जरूरी है पब्लिक डेट मैनेजमेंट का, जैसे गवर्नमेंट का जो डेट मैनेजमेंट है वो भी तगड़ा होना चाहिए, और पब्लिक फाइनेंस के बारे में मैंने आपको बता दी, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। अ सेंट्रल बैंक, अ सेंट्रल बैंक सुपरवाइज एंड रेगुलेट द ऑपरेशन इन द बैंकिंग सिस्टम, इट एक्ट्स एज अ बैंकर टू द बैंक्स एंड द गवर्नमेंट। क्या भाई साहब, ये बैंकर के लिए बैंक का काम करता है। आपके SBI का बैंक कौन है, आपका HDFC का बैंक कौन है, बैंकर का भी बैंक होता है, ठीक है, एक्सिस का कौन है, ICICI का कौन है, पंजाब का कौन है, तो बेसिकली इनका RBI मैनेज करता है। तो मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल बैंक यूज टू कीप द पेस ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ और हायर पर। जो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी है सेंट्रल बैंक की, वो इंश्योर करती है कि भैया कैसा इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। तो सेंट्रल बैंक का भी अच्छे से फंक्शन करना जरूरी है अगर वेल फंक्शनिंग फाइनेंशियल सिस्टम है आपका। साउंड बैंकिंग सिस्टम, वेल फंक्शनिंग फाइनेंशियल सिस्टम मस्ट हैव अ लार्ज वैरायटी ऑफ बैंक्स इन बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। भैया देखो, अच्छे से फंक्शन करने वाला फाइनेंशियल सिस्टम के पास एक तगड़ा मतलब तगड़ा लार्ज नंबर ऑफ बैंक्स होने चाहिए, बोथ इन पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। सिर्फ पब्लिक सेक्टर में नहीं, प्राइवेट सेक्टर में भी, दोनों मिला के। Having both domestic and international operation with an ability to withstand adverse national and international events, adverse national or international events में वो खड़े रह सकें आपके साथ, ऐसा होना चाहिए आपका banking system। Both private and public sector having both, देखो आपके यहाँ domestic crisis कोई आती है या फिर international crisis आती है, तो आपका banking system इतना तगड़ा होना चाहिए कि आपके जो इन्वेस्टर्स हैं उनको फंडिंग दे के उनको उस समय सर्वाइवल, मतलब जो आपके जो कंपनीज हैं या फिर जो वहाँ के आम जनता है, अगर क्राइसिस आया तो उनको फंड दे के सर्वाइव करा दे, मतलब तगड़ा खड़ा हो सके आपके साथ क्राइसिस में। दे परफॉर्म वेरियड फंक्शन सच एज ऑपरेटिंग द पेमेंट एंड क्लियरिंग सिस्टम एंड फॉरन एक्सचेंज मार्केट। बहुत सारे फंक्शन ये परफॉर्म करते हैं रिलेटेड टू द मनी पेमेंट करना, क्लियरिंग सिस्टम, एंड फॉरन एक्सचेंज मार्केट। बैंक्स ऑल्सो अंडरटेक क्रेडिट रिस्क एनालिसिस एंड एक्सेस द एक्सपेक्टेड रिस्क। देखो, क्रेडिट रिस्क एनालिसिस भी होता है यहाँ पे बैंकिंग में, आपके रिस्क को एनालाइज किया जाता है, जैसे कि
आप अगर सपोज करो आपको लोन लेना है तो आपके आप बैंक में जाओगे तो आपको क्रेडिट रेटिंग भी पूछी जाती है, भाई आपका क्रेडिट रेटिंग क्या है। अच्छा क्रेडिट रेटिंग रहेगा तो आपको ज्यादा लोन मिलेगा, अच्छा खासे रेट पे मिलेगा। सो यही सारी डिपेंड करता है, क्रेडिट रिस्क एनालिसिस भी करता है। तो बेसिकली साउंड बैंकिंग सिस्टम विथ स्टैंड विथ नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स, मतलब विथ एबिलिटी, जिसके पास वो एबिलिटी हो कि एडवर्स सिचुएशन में भी आपके साथ खड़ा रहे, तो वो साउंड बैंकिंग सिस्टम। इन्फॉर्मेशन सिस्टम, All the participant in the financial system requires information at some stage or other. हर जगह सबको कुछ ना कुछ जरूरत पड़ती है। Proper information disclosure practice from the basis of the sound financial system. कहने का मतलब है कि proper information disclosure, जैसे कि आप इंडेक्स में पढ़ते हो या फिर कहीं ये disclosure करो, वो disclosure करो, यहाँ करो, वहाँ करो, तो कंपनीज एक्ट रेगुलेट करती है कि नहीं। तो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन सबको जरूरत होती है, तो एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन जब तक नहीं रहेगा आपके फाइनेंशियल सिस्टम में, तो आपकी फाइनेंशियल सिस्टम वेल फंक्शन कैसे हो सकती है। सो इन्फॉर्मेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सही होना चाहिए। द कॉर्पोरेट हैज टू डिस्क्लोज देयर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, बिल्कुल, एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मतलब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बैलेंसिंग। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो सारे कुछ आ जाएगा, फाइनेंशियल पोजीशन और फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो वही मैंने बोला कंपनीज एक्ट में डिस्क्लोज करना पड़ता है। फिर वेल फंक्शनिंग सिक्योरिटी मार्केट, बिल्कुल आपका सिक्योरिटीज मार्केट भी वेल फंक्शनिंग होना चाहिए। सिक्योरिटी मार्केट फैसिलिटेट द इश्यूएंस ऑफ द बोथ इक्विटी एंड डेट, हाँ ये फैसिलिट करता है। एन एफिशिएंट सिक्योरिटी मार्केट हेल्प्स इन डेवलपमेंट डिप्लॉयमेंट ऑफ द फंड्स रेज थ्रू द कैपिटल मार्केट टू द रिक्वायर्ड सेक्शन ऑफ द इकोनॉमी। कहने का मतलब है जब आपके यहाँ सिक्योरिटी मार्केट जॉब कर, जो हमारे यहाँ क्या है बीएससी एनएससी बेसिकली, तो ये लोग क्या करता है, मतलब अच्छे से लिखा हुआ भी नहीं, बीएससी एनएससी, तो ये लोग क्या करेगा, आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म देता है कि आप यहाँ पे आओ, अपना आईपीओ रेज करो, पब्लिक से पैसा लो, इन्वेस्ट करो, रिटर्न करो। तो ये अच्छा खासा वेल फंक्शनिंग सिक्योरिटी मार्केट भी होगा, तभी आपका फाइनेंशियल सिस्टम वेल फंक्शनिंग कहलाएगा। तो चलिए एक बार देखते हैं कि क्या क्या चीजें हो गई। तो पहला अच्छा आगे नहीं, की एलिमेंट ऑफ द वेल फंक्शनिंग फाइनेंशियल सिस्टम अ स्ट्रॉन्ग लीगल एंड रेगुलेटरी इन्वायरमेंट। एक स्ट्रॉन्ग लीगल और रेगुलेटरी इन्वायरमेंट होना चाहिए, बिल्कुल रूल्स एंड रेगुलेशन होने ही चाहिए ना बॉस। आप बोलो नहीं होगा तो फिर तो रोड्स के कितने रूल्स हैं, फिर भी लोग फॉलो नहीं करते, अगर नहीं रहे तो भाई छोड़ ही दो, वही बात है। स्टेबल मनी, मनी जो आपका मनी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आई वुड से, तो आप वो जब तक तगड़ा नहीं रहेगा तब तक तो फाइनेंशियल क्राइसिस आ सकते हैं, तो वो भी जरूरी है। साउंड पब्लिक फाइनेंस, पब्लिक फाइनेंस एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करके और रेवेन्यूज को जनरेट करने का नया नया तरीका लाना चाहिए, तो पब्लिक फाइनेंस तगड़ा हो और पब्लिक डेट मैनेजमेंट, गवर्नमेंट का जो डेट डिपार्टमेंट है वो भी अच्छे से काम करे। सेंट्रल बैंक अच्छे से ऑपरेट करे, बैंकर की जो बैंक है वो मॉनेटरी पॉलिसीज अच्छे से बनाए जिससे कि इकोनॉमिक ग्रोथ हायर हो। फिर साउंड बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम हमें हमारे साथ खड़े रहे एडवर्स नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स में, तो उसको बोलेंगे तो हमारा फाइनेंशियल सिस्टम वेल फंक्शनिंग होगा। इन्फॉर्मेशन सिस्टम का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है यहाँ पे कि देखो भाई किसी सबको कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी, तो आपको प्रॉपर डिस्क्लोजर कराना पड़ेगा। जिसका एक उदाहरण देखा जाए तो इंडेक्स जब आप पढ़ेंगे तो बहुत सारे डिस्क्लोजर है, अपना कंपनीज एक्ट भी बोलता है डिस्क्लोजर करो, वो डिस्क्लोजर करो, तो वैसे ही आपको डिस्क्लोजर मतलब इन्फॉर्मेशन पास ऑन करना पड़ेगा जिससे कि आपका जो इन्वेस्टर है वो इन्फॉर्म होगा और इन्फॉर्म डिसीजन लेने में मदद मिलेगी उसको। फिर वेल फंक्शनिंग सिक्योरिटी मार्केट वेल फंक्शनिंग रहेगा तो ही आपका फाइनेंशियल सिस्टम वेल फंक्शनिंग रहेगा। तो देयर आर टोटल 7 पॉइंट्स जो हमने डिस्कस किए। फिर अगला पॉइंट आ जाता है फाइनेंशियल सिस्टम डिजाइन। टाइम देख ले कितना हो गया, 34 मिनट हो गया, आई एम सॉरी, अभी और 15 मिनट तो लगेगा। आर यू रेडी? क्या पूछ रहे हो यार कोई जवाब थोड़ी ना देने वाला है। अच्छा अगर लंबा हो तो बता देना भाई साहब कमेंट में, ठीक है, कोई भी, isn't it? Ready? पढ़ते हैं अगला, फाइनेंशियल सिस्टम डिजाइन क्या करें। ओके, फाइनेंशियल सिस्टम डिजाइन, अ फाइनेंशियल इंटीग्रेशन इज वेल इंटीग्रेटेड चेन ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्टीट्यूशन दैट प्रोवाइड्स। फाइनेंशियल इंटीग्रेशन इज अ वेल इंटीग्रेटेड चेन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्टीट्यूशन दैट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल सर्विसेज। डिफरेंट डिजाइन, देखो
एक फाइनेंशियल इंटीग्रेशन क्या है? एक चेन है फाइनेंशियल मार्केट का और इंस्टीट्यूशंस का. आई रिपीट, फाइनेंशियल मार्केट और इंस्टीट्यूशंस का जो प्रोवाइड करते हैं फाइनेंशियल सिस्टम, मतलब हमारे यहाँ जो फाइनेंशियल मार्केट है और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है वो हमें क्या देते हैं? फाइनेंशियल सर्विसेज. तो उस फाइनेंशियल इंटीग्रेशन, तो फाइनेंशियल इंटीग्रेशन उसी को बोलते हैं, मतलब डिजाइन, फाइनेंशियल सिस्टम का डिजाइन उसी को बोलते हैं कि आपके यहाँ फाइनेंशियल मार्केट है, इंस्टीट्यूशंस है जो आपको फाइनेंशियल सिस्टम सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल सिस्टम डिजाइन. आपके फाइनेंशियल सिस्टम के डिजाइन में फाइनेंशियल मार्केट, इंस्टीट्यूशंस, सर्विसेज क्या क्या देते हैं, दैट इज व्हाट कॉल्ड फाइनेंशियल सिस्टम डिजाइन. डिफरेंट डिजाइन ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट इज फाउंड इन डिफरेंट कंट्रीज. भैया देखो, हर कंट्रीज में डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन पाए जाते हैं. अभी नीचे डिटेल दिया होगा कि कौन से कंट्रीज में क्या क्या पाया जाता है. फाइनेंशियल सिस्टम डिजाइन कैन बी डी मार्केटेड इनटू बैंक एंड मार्केट बेस्ड. दो कैटेगरीज में आप डिवाइड कर सकते हो, एक तो बैंक बेस्ड और एक मार्केट बेस्ड. ठीक है, अब यहां बैंक की बात करते हैं. बैंक डोमिनेटेड सिस्टम विच इज प्रीवेलेंट इन जर्मनी इज वन एक्सट्रीम where banks play a dominant role and stock market is not that relevant. जर्मनी का एग्जाम्पल लिया जाए, वहां पे बैंकिंग सिस्टम ही सारा काम करता है, स्टॉक मार्केट उतना एक्टिव नहीं है, फिर उतना रेलेवेंट नहीं है, मतलब फंड्स को इकट्ठा करने में. बेसिकली यहां पे मैंने बात की ना फाइनेंशियल मार्केट और इंस्टीट्यूशन जो फाइनेंशियल सर्विसेज देते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा जो फाइनेंशियल सर्विसेज देंगे बैंक बेस में वो बैंकिंग सिस्टम देगा, मार्केट बेस में मार्केट देगा, समझ रहे हो. ऑन द अदर हैंड there is market based system which is prevalent in the USA. USA में market based system है where banks plays a much lesser role and the economy is largely controlled by the financial market. और जो economy वो largely control की जाती है financial markets के द्वारा, isn't it? So दो पहलू ऐसे किए कि एक तो bank based हो गया और एक market based, provided both are giving financial services. ठीक है, डेमिर्ग कंट एंड लेविन, आई डोंट नो प्रोनाउंसिएशन सही है गलत, 1999 में प्रोवाइड किए थे एक्सप्लेनेशन ऑफ द बैंक बेस्ड एंड मार्केट बेस्ड फाइनेंशियल सिस्टम. बोले कि भाई देखो, नाम इनका है डेमिर्ग कंट एंड लेविन. हिंदी में कुंट भी पढ़ सकते हो, इसका एक्चुअली क्या है, इन लोग का नाम बहुत ही अजीब हो गरीब रहता है, तो आप डीके कर लो, यहाँ पर डीके लेविन कर लेना, मतलब इजी रहेगा, समझ जाएगा एग्जामिनर भी अगर आपको लिखना है. ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला था बैंक बेस्ड फाइनेंशियल सिस्टम में कि बैंक्स प्लेज अ पाइवोटल रोल इन मोबिलाइजिंग सेविंग्स. बात सही है, मोबिलाइजिंग का वर्ड आप समझ रहे हो, आई होप आप समझ पा रहे हो. एलोकेटिंग कैपिटल, मोबिलाइजिंग का मतलब क्या, आपके सेविंग्स को लोगों में, नीडी पर्सन में एलोकेट करना. एलोकेटिंग कैपिटल, जो कैपिटल है उसको कहाँ कहाँ लगाना है, कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना है. Overseeing the investment decisions of the corporate manager and providing risk management facility. तो bank based financial system आपको क्या करेगा, आपके पैसे को, savings को mobilize करेगा, लोगों में distribute करेगा as a loan basically, और allocating capital. Suppose करिए आप bank के पास कोई capital है तो अपना capital सही borrower के पास भेजिए. Overseeing the investment decisions, investment decisions को भी look after करता है कि कहाँ वो करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सही है क्या गलत है, और उस पर एक कंट्रोल भी बना के रहेगा, भैया इतना मेरे को रिटर्न चाहिए, नहीं दोगे फिर हम कहीं और इन्वेस्ट करेंगे. एंड प्रोवाइडिंग रिस्क मैनेजमेंट, क्रेडिट रिस्क फैसिलिटी भी यहाँ पे मिलेगी, आपका क्रेडिट रिटर्न का क्या क्रेडिट रेटिंग है, कितना पैसा आप जल्दी रिटर्न कर ले, तो वो भी इसमें बात किया जाएगा. इन मार्केट बेस्ड फाइनेंशियल, अगली पहलू आ जाते हैं, अगले पहलू पे मार्केट बेस्ड फाइनेंशियल सिस्टम में क्या होता है. सिक्योरिटी मार्केट शेयर सेंटर स्टेज विद द बैंक्स इन मोबिलाइजिंग द सोसाइटीज फंड्स फॉर फॉर्म एक्सर्शन कॉर्पोरेट कंट्रोल एंड अर्निंग रिस्क मैनेजमेंट, ईजिंग रिस्क मैनेजमेंट. बोला सिक्योरिटीज मार्केट शेयर सेंटर स्टेज, मार्केट बेस्ड फाइनेंशियल सिस्टम में जो सिक्योरिटीज मार्केट होते हैं, डेट बॉन्ड्स की जो मार्केट होती हैं, शेयर सेंटर स्टेज मेन रोल प्ले करते हैं विद बैंक्स इन मोबिलाइजिंग द सोसाइटीज सेविंग. सोसाइटी की सेविंग्स को मोबिलाइज करने में जो सेंटर स्टेज प्ले करेगा सिक्योरिटीज, जैसे कि एक कंपनी शेयर मार्केट में रजिस्टर्ड हो गया, वहां से उसने फंड रेज किया, तो वो क्या कर रहा है, जो सोसाइटी का फंड है उसको मोबिलाइज कर रहा है फंड्स फॉर फॉर्म्स के लिए, जो कंपनीज को रिक्वायरमेंट है या लोगों को रिक्वायरमेंट है. एग्जिस्टिंग
कॉर्पोरेट कंट्रोल और यूजिंग रिस्क मैनेजमेंट, और रिस्क मैनेजमेंट को भी बहुत ही कम कर रहा है। सो ये रहा दो पहलू, एक बैंक बेस्ड हो गया और एक मार्केट बेस्ड। तो बैंकिंग, बैंक बेस्ड में बैंक कंट्रोल करेगा, मार्केट बेस्ड में सिक्योरिटीज ज्यादातर चीजें कंट्रोल करेंगी और आपके फंड्स को मोबिलाइज और एलोकेट करेंगी और रिस्क को करेंगी, ईजिंग ऑफ रिस्क। भैया लेवल ऑफ डेवलपमेंट, डेवलप्ड और अंडर डेवलप, बीच में क्या आएगा? डेवलपिंग जो कि है इंडिया, ठीक है। तो बैंक बेस्ड, मार्केट बेस्ड। जापान, जापान में नेगेटिव इंटरेस्ट पे भी लोन मिलता है मैंने सुना। जर्मनी, फ्रांस और इटली, तो ये बैंक बेस्ड फाइनेंशियल सिस्टम डिजाइन है। जैसे अर्जेंटीना, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये अंडर डेवलप्ड है, बैंक बेस्ड फाइनेंशियल सिस्टम है। यूएसए, यूके, सिंगापुर, मलेशिया, कोरिया, ये आ गए आपका मार्केट बेस्ड और डेवलप्ड। यूएसए डेवलप्ड है, यूके डेवलप्ड है, सिंगापुर डेवलप्ड है, मलेशिया, कोरिया, ब्राजील, मैक्सिको, फिलीपींस, तुर्की, ये क्या है? अंडर डेवलप्ड है बट यहाँ पे मार्केट बेस्ड है। और इंडिया में मिक्स है, आई बिलीव इंडिया में बैंक भी मेजर रोल प्ले करता है और मार्केट भी, तो इंडिया में मिक्स्ड है बट इंडिया इज डेवलपिंग कंट्री और हमें यहाँ तक पहुँचना है मार्केट बेस्ड या फिर मिक्स, मतलब हमें डेवलप कंट्रीज तक पहुँचना है। तो चलिए अभी पहुँच जाते हैं ऐसे नहीं, अच्छा तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है मेरा यहाँ पे कि बहुत सारी कंट्रीज का नाम लिखा हुआ है, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ रहा है कि क्या आप बैंक बेस्ड फॉर बैंक बेस्ड फाइनेंशियल सिस्टम फॉलो करके आप क्या ग्रोथ कर सकते हो? बिल्कुल। जापान है, जर्मनी है, फ्रांस है, इटली है, एग्जांपल फ्रांस बहुत तगड़ी कंट्री है, जापान है, मार्केट बेस्ड से भी आप कर सकते हो, जी हाँ कर सकते हो। तो ये रहा जस्ट फॉर एग्जाम्पल, कि ऐसा नहीं कोई भी सिस्टम खराब नहीं है, बट वॉट द बेस्ट सूटेबल, दैट इज वॉट द रिक्वायरमेंट इज, आपके देश में क्या सबसे अच्छा सूटेबल है वो रिक्वायरमेंट है। स्टॉक मार्केट फैसिलिटेट डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सिक्योरिटीज टू इनेबल द इन्वेस्टर्स टू रिड्यूस रिस्क। स्टॉक मार्केट फैसिलिटेट डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द सिक्योरिटीज टू इनेबल द इन्वेस्टर्स टू रिड्यूस रिस्क। देखो आपको स्टॉक मार्केट बेस्ड हम एडवांटेज कर रहे हैं, एडवांटेज ऑफ मार्केट बेस्ड सिस्टम, तो आप जब स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने चाहते हो तो आपके पास वेरियस वैरायटीज ऑफ द ऑप्शन मिलेगा कि आप यहां पे भी लगा दो। सपोज करो, फिर बात करते हैं अपने इन फर्दरेंस, हमने बात किया सिक्योरिटी मार्केट फैसिलिटी डाइवर्सिफिकेशन, आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे कि आप यहाँ कम रिस्क है यहाँ पे वहाँ पैसा लगा लीजिए, यहाँ पे कम रिस्क है यहाँ पे पैसा लगा लीजिए, यहाँ पे रिस्क ज़्यादा है वहाँ पे भी आप रिटर्न वहाँ पे ज़्यादा मिलेगा, तो आपके पास ऑप्शन रहेगा, आप अपना रिस्क खुद से रिड्यूस कर सकते हैं बॉस, ठीक है। इन फर्दरेंस ऑफ द अबव पॉइंट इट कैन बी रिटिएटेड दैट इट हेल्प्स द इन्वेस्टर टू रिड्यूस द, बात तो वही है ऊपर वाला पॉइंट को नीचे लिख देगी भाई, फर्दर अगर बात करें तो ये आपको मदद करता है एज ए इन्वेस्टर, आप हो तो आपके रिस्क को रिड्यूस करने में मदद करेगा। मार्केट बेस्ड सिस्टम की बात कर रहे हैं, मार्केट बेस्ड और फाइनेंशियल सिस्टम, मार्केट बेस्ड फाइनेंशियल सिस्टम एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोवाइड्स एन इन्फॉर्मेशन सिस्टम विच इनेबल्स इन्वेस्टर्स टू मेक एन इन्फॉर्म डिसीजन। देखो मार्केट में जब आप इन्वेस्ट करने जाते हो तो आप कंपनीज में जो इन्वेस्ट करते हो तो उनके पास बहुत सारी डेटा डिस्क्लोज की रही है, तो आप उनके फाइनेंशियल सिस्टम्स को देख सकते हो, उनके फाइनेंशियल पोजिशन, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, आप उनके कैश फ्लोज को देख सकते हो, तो आपकी पूरी एनुअल रिपोर्ट आप देखोगे तो फुल ऑफ इन्फॉर्मेशन, आपको आइडिया लग जाएगा कि भैया या आप सपोज करो एक बैंक आप किसी कंपनी का देख रहे हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आपको लगा कि भयंकर लोन लेके रखा भाई साहब, ये लोन रीपे करने की कैपेबिलिटी नहीं है, जैसे आरकॉम अगर देखोगे तो अभी आरकॉम पैसा दे नहीं पा रहा है, सो हाउ इट इज पॉसिबल कि एक इन्वेस्टर आफ्टर सच इन्फॉर्मेशन वो उसमें पैसा लगाएगा? तो स्टॉक मार्केट जो आपको मार्केट बेस्ड इकोनॉमी में आपको भैया एकदम भर भर के इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा, समझ रहे हो, जिससे आप अच्छा डिसीजन ले पाओगे। Another advantage of the market-based system is that they facilitate financing of the new technology. नए technology का financing भी करता है। Therefore, in case of the emerging companies with significant financial and technological risk, a market-based, अब देखो एक emerging company है, एक company है, अच्छा rule है, मतलब
कोई स्टार्टअप है, उसके पास अच्छी टेक्नोलॉजी है, पूरा एकदम पैक्ड उसका वो, उसको बस पैसे की जरूरत है वो ओवरऑल इंडिया में इंप्लीमेंट करने के लिए, तो वहां पे क्या होगा, अगर वो अलाउ करे सेबी तो स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड होकर तुरंत आईपीओ इशू कर देगा, लेकिन इंडिया में इतना जल्दी आप आईपीओ इशू नहीं कर सकते। सो यहाँ पे इंडिया में आपको बैंक या फिर आजकल तो बहुत सारे फंडिंग्स भी आ गए हैं, लोग प्राइवेट फंडर्स फंडिंग लेते हैं, ठीक है, एंजल फंडिंग हो गया, फिर और भी लेवल ऑफ फंडिंग है। एंजल फंडिंग क्या होता है, जब आप स्टार्टअप हो, आपका कोई स्टार्टअप है, आप जो पहला फंड लेते हो, सपोज करो आपने स्टार्टअप खोला, 10 करोड़ का एक फंड लिए, सो दैट इज कॉल्ड एंजल फंडिंग, ठीक है। फिर लेवल 1 लेवल 2 ऐसे आता रहता है। फिर डिसएडवांटेज ऑफ द मार्केट बेस्ड सिस्टम, डिसएडवांटेज क्या है, मार्केट बेस्ड सिस्टम इज प्रोन टू इनस्टेबिलिटी एज मार्केट में फ्लक्चुएशन टर्बुलेंट टाइम्स। देखो अभी क्या हुआ, इंडिया पाकिस्तान में थोड़ा सा माहौल खराब हो गया था, अभी तो नॉर्मल हो गया, माहौल जब खराब हो गया था तो क्या मार्केट शेयर जो था, शेयर मार्केट क्रैश कर गया था, जी हाँ, बहुत नीचे गिर गया था, फिर रिवाइव भी कर गया, तो फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होती है, ये डर है। कॉन्सिक्वेंटली इन्वेस्टर्स आर एक्सपोज टू मार्केट रिस्क। हाँ, मार्केट रिस्क से इन्वेस्टर्स को देखना पड़ेगा कि मार्केट अगर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, सपोज करो आप FMCG में पैसा लगा रहे हो, FMCG में महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, तो क्या करोगे आप, आपका शेयर मार्केट प्राइस गिरेगा, क्योंकि लोगों को लगेगा कि इसमें ग्रोथ नहीं है। आप जब ज़्यादा महंगा सामान खरीदोगे तो कैसे प्रॉफिट कमा पाओगे, आपको प्रॉफिट कम रख के ही बेचना होगा ना। देयर इज अ फ्री राइडर प्रॉब्लम, और एक फ्री राइडर प्रॉब्लम भी है, कुछ भी कहीं पर भी कुछ हो सकता है। तो हमने बात की मार्केट बेस्ड इकोनॉमी की, मार्केट बेस्ड इकोनॉमी में आपको कुछ एडवांटेज भी हैं। देखो हर जगह कुछ ना कुछ एडवांटेज भी होता है और कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज भी होता है, तो आपको ये समझना होगा कि आपकी इकोनॉमी के लिए क्या सबसे ज़्यादा सूटेबल है। तो अब हम बात करेंगे, जैसे हमने अभी बात की एडवांटेज ऑफ द मार्केट बेस्ड इकोनॉमी, अब हम लोग क्या बात करेंगे, एडवांटेज की भी बात कर ली अपने और डिसएडवांटेज का भी बात कर ली। अब हम लोग बात करेंगे बैंक बेस्ड फाइनेंशियल सिस्टम। तो उसके पहले आप ये समझिए कि इंडिया में कौन सा सिस्टम है। इंडिया में देखो बोथ है, मार्केट बेस्ड भी है, मिक्स है, मिक्स इकोनॉमी है, इजंट इट। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि इंडिया में एक ही मार्केट है। चलिए, एडवांटेज ऑफ द बैंक, एडवांटेज ऑफ द बैंक बेस्ड फाइनेंशियल सिस्टम, क्लोज रिलेशनशिप विद द पार्टीज। जी हाँ, बैंक वालों के पास तो अच्छा खासा रिलेशन बन जाता है जी हाँ, अच्छा खासा रिलेशन बन जाता है, आपको अच्छा खासा रेट पे मिल जाएगा। ये लाइन क्यों लिखने की जरूरत है यहाँ पे, तो बेसिकली एक अच्छा रिलेशन बन जाएगा, कॉर्पोरेट और बैंक के बीच में अच्छा रिलेशन बन जाता है, तो आपको जब जरूरत पड़ेगी तो फंड आप वहां से ले सकते हो। प्रोवाइड टेलर मेड कॉन्ट्रैक्ट्स, जिस मतलब आपके जैसे आपकी तरह एक कस्टमाइज्ड आपको कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे, जैसा आपको जरूरत है वैसा ही आपको कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि आपको लग रहा है कि मेरे को कैश क्रेडिट नहीं लेना है, ठीक है। देखो तो लोन लेने के लिए बहुत सारी, पर्सनल लोन हो गया, कैश क्रेडिट हो गया, तो आपको लोन जब लेना है तो बहुत सारे ऑप्शंस दिए जाएंगे, तो आपकी आपके हिसाब से दिया जाएगा, आपको क्या पसंद है उसके हिसाब से। रिस्क शेयरिंग एफिशिएंट है, मतलब ज्यादा रिस्क नहीं है, समझ रहे हो। आप जब बैंक से पैसा लेते हो तो क्या आपको रिस्क ज्यादा नहीं रहता है एज कम्पेयर टू द मार्केट, या फिर जो पैसा दे रहा है बैंक, जो पैसा दे रहा है उसको भी ज़्यादा रिस्क नहीं रहता कि भाई यहाँ पे पैसा दे रहे हो। अगर अच्छा वेल फंक्शनिंग फाइनेंशियल सिस्टम है तब की बात कर रहा हूँ, अब पैसा लिए भागने वाला मूड में रहोगे तो का बात, उसका बात नहीं है बस, ठीक है। तो वहाँ पे बैंक वाला जब पैसा देता है तो आपको रिस्क उसको कम रहता है। फिर बात आती है नो फ्री राइडर प्रॉब्लम। अब फ्री राइडर प्रॉब्लम क्या है, फ्री राइडर प्रॉब्लम ऑकर कब होता है,
जब पब्लिक रिसोर्सेज से तुम आपको पब्लिक रिसोर्सेज से क्या नहीं मिलता, रिजल्ट नहीं मिलता। सपोज करी अब जैसे यहाँ पे भी था, देर इज अ फ्री राइडर प्रॉब्लम। आप इंडिया में क्या है, इंडिया में एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी भी है हमारी, बहुत ज़्यादा बेस्ड है एग्रीकल्चर पे। तो अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स सपोज करो बारिश तूफान सब कुछ तबाह कर दिया, तो क्या होगा, मार्केट एकदम क्रैश कर जाएगा, बिल्कुल क्रैश कर जाएगा। पूरी तरीके से डिपेंड रहता है अपना, फ्री राइडर प्रॉब्लम हो सकती है वहाँ पे। बट बैंकिंग सिस्टम में क्या फ्री राइडर प्रॉब्लम, कुछ नहीं। कोई रिसोर्सेज, अगर नेचुरल रिसोर्सेज से कोई चीज़ नहीं आती है, क्या फर्क पड़ता है भाई, कोई दिक्कत नहीं। और इसका अगर डिसएडवांटेज की बात करें, डिसएडवांटेज ऑफ द बैंक बेस्ड फाइनेंशियल सिस्टम रिटार्ड्स इनोवेशन एंड ग्रोथ एज बैंक्स मे हैव प्रेफरेंस टू लो रिस्क। भैया देखो, यहाँ पे स्टार्टअप्स को पैसा नहीं मिलने वाला, बिल्कुल नहीं। मतलब मेरे को ज्यादा रिस्क नहीं लेना है, प्रॉपर्टी दो पैसा लो, अदरवाइज नो। प्रॉपर्टी लो पैसा दो, अदरवाइज नो। इजंट इट, राइमिंग अच्छा कर ले रहा हूँ मैं, थैंक यू। लो रिटर्न प्रोजेक्ट्स, लो रिटर्न्स प्रोजेक्ट्स और लो रिस्क में पैसा नहीं लगाता बैंक, सो सैड। इम्पीड्स कंपटीशन एंड एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स बिकॉज बैंक्स मे कंक्लूड दैट द बिजनेस मैनेजर अगेंस्ट इन्वेस्टर्स। देखो भैया, नया बिजनेस में पैसा क्यों लगाएगा, तो नया बिजनेस के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि उनको अच्छी खासी प्रॉपर्टी चाहिए, तब जाके आपको पैसा मिलेगा। अगर आपके पास प्रॉपर्टी नहीं है तो भैया गए हो। आइए देखते हैं डिफरेंस क्या है बैंक बेस्ड और फाइनेंशियल मार्केट बेस्ड फाइनेंशियल सिस्टम। इन अ मार्केट बेस्ड फाइनेंशियल सिस्टम द मेजोरिटी ऑफ द फाइनेंशियल पावर हेल्ड बाय द स्टॉक मार्केट एंड इकोनॉमी इज डिपेंडेंट हाउ वेल और पोअरली स्टॉक मार्केट इज परफॉर्मिंग। बिल्कुल सही, इकोनॉमी पूरी तरीके से डिपेंडेंट हो जाएगी स्टॉक मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। जबकि ऑन द अदर हैंड इन बैंक बेस्ड फाइनेंशियल सिस्टम द इकोनॉमी इज डिपेंडेंट ऑन हाउ वेल और पुअरली बैंकिंग सिस्टम इज डूइंग। कितना अच्छा और बुरा बैंकिंग सिस्टम कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। इन अ मार्केट बेस्ड सिस्टम बैंक्स आर लेस डिपेंडेंट ऑन इंटरेस्ट फ्रॉम लोन्स फॉर देयर रेवेन्यू एनहांसमेंट एंड फोकसेस ऑन द फी बेस्ड सर्विसेज सच एज चेकिंग ऑफ द अकाउंट्स। मार्केट बेस्ड सिस्टम बैंक्स आर लेस डिपेंडेंट ऑन इंटरेस्ट फ्रॉम लोन्स, बिल्कुल सही। मार्केट बेस्ड सिस्टम में जो बैंक्स है उनको इंटरेस्ट से इनकम पे डिपेंड नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, फॉर देयर रेवेन्यू एनहांसमेंट एंड फोकसेस ऑन फी बेस्ड सर्विसेज सच एज चेकिंग ऑफ अकाउंट्स। वो फी बेस्ड फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, जैसे आपके फंड्स को मैनेज करना, कहाँ लगाना है क्या नहीं लगाना है, आपको सर्विसेज देके वहां से पैसा लेंगे। हाउएवर इन अ बैंक बेस्ड सिस्टम दे फोकस देयर अटेंशन मोर ऑन लोन्स एंड आर मोर डिपेंडेंट ऑन द इंटरेस्ट फ्रॉम द लोन्स एंड रेवेन्यू इंक्रीजेस। तो अगर बैंक बेस में बात किया जाए तो पूरी इकोनॉमी बैंक पे बेस रहेगी और बैंक भी लोन और इंटरेस्ट पे डिपेंड करेगा, कोई सर्विसेज पे वो ज्यादा फोकस नहीं करेगा, लेकिन मार्केट बेस में वो सर्विसेज पे फोकस करता है। मतलब चलिए, इन अ मार्केट बेस्ड फाइनेंशियल इकोनॉमी द वेल्थ इज स्प्रेड मोर अनइवनली व्हाइल इन बैंक बेस्ड फाइनेंशियल सिस्टम द इकोनॉमी वेल्थ इज मोर इवनली स्प्रेड। बहुत ही इंपॉर्टेंट और गहरी लाइन है, इससे हमें समझना चाहिए क्या बोल रहा है। इन अ मार्केट बेस्ड फाइनेंशियल इकोनॉमी द वेल्थ इज स्प्रेड मोर अनइवनली व्हाइल इन द बैंक बेस्ड फाइनेंशियल सिस्टम द इकोनॉमी वेल्थ इज मोर इवनली। यहां बोला मोर अनइवनली और यहां बोला इवनली, मतलब समानता का अधिकार बैंक में मिलेगा। आई मीन इन मार्केट बेस्ड इकोनॉमी द वेल्थ इज स्प्रेड, तो जो आपका बैंकिंग सिस्टम है वहां पे आम आदमी की पहुंच रहती, समझ रहे हो, आम आदमी जैसे किसान है वो भी बैंक में जाके किसान क्रेडिट कार्ड से लोन ले सकता है। लेकिन जब मार्केट बेस्ड इकोनॉमी रहेगी तो उसको पैसा लेना होगा, तो मार्केट में जाके रजिस्टर कराएगा पैसा लेगा, दैट इज नॉट प्रैक्टिकल, दैट इज नॉट। तो वहां पे जो फंड है वो इकोनॉमी का जो वेल्थ है वो इवनली स्प्रेड नहीं होता है, ठीक है। मार्केट बेस्ड फाइनेंशियल सिस्टम कॉन्स्टेंटली चेंजेस, बिल्कुल, एंड ईच इंडिविजुअल इंडिविजुअल विद इन द सोसाइटी हैज अपॉर्चुनिटी टू गेन और लूज और गिवन डे। मार्केट बेस्ड इकोनॉमी में स्टॉक मार्केट में रोज पैसा कमाओ रोज गवाओ, हर दिन आपको मौका मिलेगा और हर आदमी को मौका मिलेगा पैसा कमाने और गवाने का, ईच डे ऑन एनी गिवन डे एक्सेप्ट सैटरडे संडे। क्या बात कर, इंडिया का बात कर रहे हैं, सैटरडे संडे क्लोज रहता है मार्केट। बट इन द बैंक बेस्ड फाइनेंशियल सिस्टम ओनली अ फ्यू आर गिवन अपॉर्चुनिटी टू मैक्सिमाइज इट।
बैंक बेस में भैया कुछ ही लोगों को मौका मिलता है अपना मैक्सिमाइज करने के लिए गेन बैंक्स को। इन अ मार्केट बेस्ड फाइनेंशियल सिस्टम लॉज आर बेसिकली सेट फोर्थ एंड कैरिड आउट बाय द गवर्नमेंट एंड आर बेसिकली बेस्ड ऑन द सिविल लॉ रेदर देन द कॉमन लॉ। कहने का मतलब मार्केट बेस्ड फाइनेंशियल सिस्टम में सारे के सारे लॉ और रेगुलेशंस गाइडलाइंस जो बनाए जाएंगे वो गवर्नमेंट द्वारा बनाए जाएंगे या फिर गवर्नमेंट मॉनिटर्स जिस ऑर्गेनाइजेशन किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू बनवाएगी जैसे इंडिया में सेबी है। बैंक बेस्ड फाइनेंशियल सिस्टम इज प्रीवेलेंट वेयर कॉमन लॉ लीगल सिस्टम इज मोस्टली देयर। और बैंक बेस्ड फाइनेंशियल सिस्टम में क्या होगा कॉमन रूल्स और रेगुलेशन बने रहेंगे। तो ये है बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन मार्केट बेस्ड और बैंक बेस्ड फाइनेंशियल सिस्टम के। और अभी तो भैया एक पार्ट कंप्लीट हुआ है, अभी बहुत ही लंबी चौड़ी डिस्कशन करनी बाकी है। रोल ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, रोल के बारे में बात करेंगे लेकिन मेरे को खांसी आ रही है। ऐसा नहीं, मैं ये बात बता रहा था कि हमने जो पहला क्लास स्टार्ट किया था तो हमने दो टॉपिक पढ़ने थे, लर्निंग आउटकम, इंट्रोडक्शन टू इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम और दूसरा रोल ऑफ फाइनेंशियल मार्केट इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो यहाँ पे क्या हम लोग डिस्कस कर रहे थे, रोल ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। आपको एकदम ए टू जेड सब कुछ पता चल गया, बैंक से लेके स्टॉक मार्केट से लेके फाइनेंशियल नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मतलब क्या हो गया खासी आ रही, सॉरी एक्सक्यूज मी क्या बोले। तो इंट्रोडक्शन की बात हमने कर ली, अब रोल ऑफ फाइनेंशियल मार्केट इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हमारे यहाँ अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा उसमें फाइनेंशियल मार्केट का क्या रोल रहता है उसको बात करेंगे अपने आने वाले वीडियोस में, ठीक है। तो चलिए तब तक के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए बस। और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब, वीडियो को क्या करेंगे लाइक शेयर करेंगे और कमेंट करके जरूर जाइए, लाइक तो जरूर करिए अगर आप यहाँ तक सुन रहे हैं तो। चलिए शुक्रिया।